आरक्षण की राजनीति फिर गरमा रही है। एससी एसटी कानून में बदलाव के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब एनडीए के घटकों ने मांग शुरू कर दी है कि उच्च न्यायपालिका में जजों की भर्ती में आरक्षण हो। मोदी सरकार में मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा अब हल्ला बोल दरवाजा खोल की बात कर रहे हैं। कुशवाहा ने दलित और पिछड़ों के लिए उच्च न्यायपालिका में आरक्षण की मांग की है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान ने कहा, हम लोग जो बात कर रहे हैं वे संविधान की बात कर रहे हैं। जैसे आईएएस और आईपीएस की नियुक्ति होती है, वैसे ही देश में जजों की नियुक्ति के लिए इंडियन जुडिशियल सर्विस का गठन किया जा सकता है। और जब इस सर्विस का गठन होगा, फिर कंपटीशन के आधार पर तय किया जाएगा कि हर वर्ग के लोगों को नियम से आरक्षण मिले। इन सांसदों की मांग जहां उच्च न्यायपालिका से आरक्षण का रास्ता खोलने वाली है, वहीं कॉलेजियम सिस्टम इससे खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बारे में फैसला सरकार को करना है। सारा विवाद एससी एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू होगा, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट के तहत किसी सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी से पहले उसकी नियुक्ति करने वाले व्यक्ति की इजाजत लेना अनिवार्य कर दिया था। विपक्ष के साथ साथ एनडीए के घटक दलों ने भी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर अपना रुख बदलने से इनकार कर दिया है। राजनीतिक रूप से ये हालात बीजेपी के लिए सही नहीं है। यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बाद बीजेपी के लिए जातिगत समीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। गौरतलब यह है कि सभी राजनीतिक दल सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए इसे अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि कोई भी इस बात को महत्वपूर्ण नहीं मानता। किसी भी नौकरी में योग्यता ज्यादा महत्व रखती है, न कि जाति या धर्म। जातिगत राजनीति इस देश के लिए एक अभिशाप है और हमें इस कुचक्र से बाहर निकलकर देश के भविष्य के बारे में सोचने की आवश्यकता है।